हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले चाइनीज़ मार्केट में वन प्लस एस थ्री वी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था और ये इंडियन मार्केट में वन प्लस नोड 4 नेम के साथ आने वाला है और काफ़ी लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं बिकॉज फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन पोको F6 और रियलमी GT 6T का काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन इंडिया पे कब लॉन्च होगा, इसकी प्राइस क्या देखने को मिलेगी, इस पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोज़ पाते रहने के लिए। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन गाइस आपको ऑलमोस्ट 8.5 mm थिकनेस पे देखने को मिलेगा और इसका वेट आपको 204 ग्राम मिलने वाला है। सो नो डाउट ये स्मार्टफोन थोड़ा हैवी रहेगा, लेकिन इस स्मार्टफोन में प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, बैक साइड पे ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगी जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर गाइज IP65 रेटिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। एंड अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन 6.74 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट ओलेड पैनल कैरी करेगा और यहाँ पर गाइज 10-bit कलर्स HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। बाकी इसमें बेजल्स और चिन का साइज भी काफ़ी कम देखने को मिलता है तो आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा और वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट आती है तो स्मूथनेस भी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। बाकी फ्रेंड्स, स्मार्टफोन में 2150 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 1100 निट्स की हाई ब्राइटनेस देखने को मिलेगी तो आउटडोर कंडीशन में डेफिनेटली आपको स्मार्टफोन में विजिबिलिटी डिसेंट देखने को मिलने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 1.5 मिलियन तक देखने को मिल जाते हैं तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्मार्टफोन में आपको क्रेजी देखने को मिलेगी और यह चिपसेट ऑलरेडी गाइज इंडियन मार्केट में रियलमी GT 6T स्मार्टफोन में देखने को मिल चुका है। परफॉर्मेंस काफ़ी क्रेजी देखने को मिल जाती है, हैवी गेमिंग आप इजिली कर पाओगे। एंड आई होप आपको वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन में आपको 90 FPS ग्राफिक सेटिंग का सपोर्ट BGMI के अंदर देखने को मिल जाएगा तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली स्मार्टफोन काफी बढ़िया होने वाला है और स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 8/128 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल सकता है जहां पर UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो देखते हैं इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन आती है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे यहां पर एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले है और आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। कैमरा के बारे में बात करें तो वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन में रियर साइड पे 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप आता है और यहां पर आपको मेन कैमरा 50 MP IMX882 मेन सेंसर मिलेगा और ऑफकोर्स इसमें OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी बिकॉज ये सेंसर हमें ऑलरेडी गाइज अंडर 20,000 rupees में देखने को मिल चुका है, क्वालिटी यहां पर डिसेंट देखने को मिल जाती है। बाकी स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K 60fps तक मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे और फ्रंट पे 16 MP का टिपिकल सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा आता है जहां पर आपको Full HD 30fps तक मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। बाकी दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट यहां पर क्रेजी लेवल पे देखने को मिलता है। वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन में इस बार 5500 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है और ये इतना बड़ा नंबर है डेफिनेटली यहां पर आपको 4nm का चिपसेट भी मिलता है तो बैटरी बैकअप एक दिन का इजिली देखने को मिलेगा अगर आप हेवी यूजेस भी करते हो तो। और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको 100W की वाइड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और स्मार्टफोन को आप 30 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर पाओगे। बाकी USB 2.0 टाइप सी पोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ अदर डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो गाइज स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा तो कंटेंट वॉचिंग के टाइम आपको साउंड भी काफ़ी रिच देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया है, अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलेगा एंड ऑफकोर्स X-axis मोटर आती है तो हैप्टिक्स भी आपको सॉलिड देखने को मिल जाएंगे और स्मार्टफोन में गाइज आपको NFC वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलेगा, नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट रहने वाला है और स्मार्टफोन में आपको कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल गाइज वन प्लस नोट 4 स्मार्टफोन में फीचर्स काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो गाइज ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आपको 8/128 GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर गाइज आपको UFS 3.1 स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स इसकी प्राइस भी इंडियन मार्केट में बोल रहे हैं कि 30,000 के अराउंड आने वाली है। ये स्मार्टफोन ऑफर्स वगैरह के साथ आपको इंडिया के अंदर अंडर 30,000 rupees में देखने को मिलेगा और इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली गाइज यहाँ पर फीचर्स और ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन निकल कर नहीं आया है, लेकिन फ्रेंड्स लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन आपको काफ़ी जल्द इंडिया पे देखने को मिलेगा बिकॉज फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है और ये स्मार्टफोन गाइज आपको मिड जून तक इंडियन मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाइज वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन के साथ ही आपको वन प्लस नोड C4 लाइट स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा।
सो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।